प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और हिंदुस्तानी शेरनी सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजी अलाई खान जी का दमदार रिएक्शन, और खासकर वो बात करेंगे पाकिस्तान में हो रहे हिंदू बेटियों के धर्म परिवर्तन पे। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी आपके लिए चैनल पे डाल चुके हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद जय भारत। ओके, वहां पर मैं फिर देख रहा था कि वहां का जो एसपी और डीएसपी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे कि जी जो बच्ची अगवा हुई है उसके पेरेंट मुझसे तावन नहीं कर रहे, मुझसे तावन पुलिस ने करना होता है। जिसका बच्चा अगवा हुआ है उसके साथ हमदर्दी का इजहार करना या अपना बताना कि हम ये कोशिश कर रहे हैं, तो उल्टा उसके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि जी इस बच्ची के माँ बाप मुझसे तावन नहीं कर रहे, मुझसे कॉपरेट नहीं कर रहे। तो कैसी एक अफसोसनाक बात है कि बजाय ये कि उनके लिए एफर्ट करें, आप बताएं कि जी हमने इतने लोगों को पकड़ा है या हम ये तफ्तीश कर रहे हैं या ये पता कर रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो मिली हुई, जैसे आपने बोला कि मियां मिठू को एक टास्क दिया गया है कि उसने ये काम करना है, तो पुलिस को पता है कि वो बच्ची जो है वो मियां मिठू के पास है या उसके किसी कारिंदे के पास है, और वो उसको बड़ी करने का इंतजार कर रहा है, उसको जवान करने का इंतजार कर रहा है, और जवान करके उसकी किसी के साथ शादी कर दी जाएगी। मुझे तो ऐसा ही लगता है। नाम में तो मुजफ्फर भाई, मैं एवरीवन नोज आई एम सच अ वेरी ब्लंट स्पीकर, एवरीवन नोज, तो इस्लाम में तो 6 साल की बच्ची को खिला पिला करके निकाह करवाने के बाद 9 साल में उसको तगड़ा किया जाता है, उसको मोटा मोटा तंदुरुस्त किया जाता है। हमारे इस्लाम के हिसाब से बच्ची तो बच्ची होती ही नहीं है, वो तो लड़की होती है। हमारे इस्लाम में तो बच्ची बोल करके कुछ है ही नहीं, लड़की बोल करके है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि उसको जवान किया जाएगा, तो उन्हें जवान का तो इंतजार नहीं होता है। ये तो अल-कुरान गवाह है कि जवान होने का इंतजार तो नहीं होता है। वो तो 6 साल में निकाह हो जाएगा, 2-3 साल में उसको खिला पिला करके तगड़ा कर दिया जाएगा, ताकि 50 साल का आदमी उसके साथ सेक्स कर सके, उसके साथ हम बिस्तर की कर सके। और क्या पता कि अब तक हो चुका होगा, क्या ही पता कि वो जिंदा भी है कि नहीं है, क्या ही पता कि वो मर चुकी है, क्या ही पता कि उसका ऑर्गन ट्रैफिकिंग हो चुका, क्या ही पता कि किसी किसी नदी नाले में उसका फेफड़े और कलेजे फेंके हुए होंगे प्रिया के, क्या ही पता। और ये टास्क जब सरकार की तरफ से मियां मिठू को मिलता है, पाकिस्तान इस्लामिक देश की तरफ से मिलता है, तो वो तो चौड़े में रहेगा ही। अब मैं आपको गिरगिट वाली बात बता देती हूँ। आपकी सरकार चेंज जरूर हुई, आपका नया नया इलेक्शन हुआ है, आपके नए वजीर आजम बने हैं, तो वो नए तो नहीं है ना, वो तो वही वाले हैं, पुराने ही वाले हैं जो अक्टूबर में यासीन मलिक की बेटी को मंच पर चढ़ा करके, डाइस पे चढ़ा करके मोदी जी को गालियां दिलवा रहे थे, आजादी का नारा लगवा रहे थे। एक तरफ शहबाज शरीफ कहता है कि पड़ोसी मुल्क से हमको संपर्क अच्छे करने चाहिए, रिश्ते अच्छे करने चाहिए, और अक्टूबर में नवाज शरीफ बैठ करके मोदी जी को गालियां दिलवाता है और यासीन मलिक के बेटी के द्वारा दिलवाता है, जिसका बाप हमारे यहाँ जेल में बंद है, जिसने कश्मीर को बिल्कुल आतंक का खेमा बना डाला था। तो मुसलमानों के अंदर गिरगिट वाली शक्ल और एहसान फरामोशी तो कूट कूट कर भरी है। अच्छा, अब एक बहुत ही अहम टॉपिक है, जैसे कि भारत कोशिश कर रहा है कि जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है उसको हासिल किया जाए, तो जिस तरह की मुसलमानों का माइंड सेट है, वो पाकिस्तानी कश्मीर हो या पाकिस्तान हो, तो भारत को ज्यादा मसला नहीं बन जाएगा, ज्यादा अब प्रॉब्लम में नहीं आ जाएगा कि इस तरह के रेडिकल माइंड सेट को आप अपने साथ अटैच करना चाहते हैं कि जिनके दिमागों के अंदर इस तरह की चीज भरी है कि वो किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करते। आप पहले कि ये थोड़ा सा क्लिप देखें, उसके बाद में इसके ऊपर फिर मैं आपसे आपकी राय जानता हूँ। ये आपने देखा कि ये मीरपुर जो है पाकिस्तान के पास कश्मीर, उसके अंदर ये केएफसी को आग लगा दी है और नारे लगा रहे हैं और लबैक या रसूलुल्लाह कह रहे हैं, और वजह क्या बताई जा रही है कि जी फलस्तीन के ऊपर जो अभी जो हमास और इसराइल की जो जंग हो रही है उसकी वजह से, क्योंकि केएफसी का ताल्लुक जी यहूदियों के साथ है, इस वजह से हम पाकिस्तान के अंदर जितने भी हैं इनको जला देंगे, और मीरपुर के अंदर इसको जला भी दिया गया है।
तो ये इस तरह की सोच पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर पाई जाती है, तो ये एक मिसाल है कि कल को ये भारत के साथ अटैच हो जाता है ये वाला, तो आप कैसे अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह के रेडिकल माइंडसेट लोगों को? देखिए ऑलरेडी हमारे भारत में बहुत रेडिकल माइंडसेट है, ऑलरेडी बहुत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे तो इंसान पहले बंदर था, उसके बाद धीरे धीरे उसमें रिफॉर्मेशन आया और फिर वो इंसान बना, और आज भी हम बहुत सारे ऐसे देश में जाते हैं जहां पर इंसान बहुत पॉलिश्ड इंसान नहीं दिखता है। द सेकेंड थिंग इज के पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा, और वहां के मुसलमान भी हमारे थे, हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। द थर्ड थिंग इज के कभी कभी क्या होता है कि हमें अलिफ बे तेसे से स्टार्ट करवाना पड़ता है लोगों को समझाने और बुझाने के लिए। ये बताना पड़ेगा इनको कि अल कुरान में आप जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रसूल को और उनके बयानात को पढ़ेंगे तो प्रॉफिट मोहम्मद वो थे जो दस्तरखान से भी अनाज उठा करके अपने मुंह में डाल लिया करते थे। उनके प्लेट से अगर एक अन्न का दाना गिर जाता था तो दस्तरखान से वो उठा करके अपनी जुबान पर रख लिया करते थे। तो इनको ये बताना पड़ेगा, इनको ये समझाना पड़ेगा कि तुम किस रसूल की उम्मत से आ रहे हो, तुम कोई ठरके आजम नहीं हो, तुम कोई इब्राहिमा की फौज नहीं हो, तुम कोई अल्लाह के स्लीपर सेल नहीं हो, तुम इंसान हो, तुम अशरफुल मखलूकात हो, तुमको अल्लाह तबारक ताला ने बहुत अहम दर्जा दिया है, तो हम तो उसको समझाने की जरूरत है, उसको बताने की जरूरत है। द फोर्थ थिंग इज के जो व्यक्ति बचपन से ये पढ़ता आ रहा है कि जंगे बदर क्या होता है, इब्राहिमा ने कैसे बुतों को तोड़ा, कैसे 6 साल की बच्ची से निकाह होता है, अगर अल्लाह के करिश्मे से बेबी मरियम प्रेग्नेंट होती है तो उस औरत को कैसे जलील किया जाता है, कैसे उसको बदनाम किया जाता है, तो जो व्यक्ति, जो पुरुष मुसलमान बचपन से ये सारी चीजें सीखते हुए आ रहे होते हैं तो उनके दिमाग में नहीं, उनके रगों में, उनके नेचर में ये सारी चीजें आ चुकी होती है, रेडिकलाइजेशन ये उनके नेचर में आ चुका होता है। अब वो नेचर चेंज कैसे होगा, जब पीओके में इलेक्शन होगा, वहां पर सरकार बनेगी, वहां पर बहुत चुनिंदा पढ़े लिखे लोगों को लेकर के वहां पर सरकार बनाई जाएगी, हम जैसे लोग वहां पर आवाजाही स्टार्ट करेंगे, जैसे मुझे जहां तक पता है कि जुलाई के महीने से मैं पीओके विजिट करना स्टार्ट करूंगी, तो वहां पर जब हमारी बातें रखी जाएंगी, वहां की बेटियों को वोकल किया जाएगा, वहां की बेटियों से बात की जाएगी, वहां की महिलाओं को सामने लाया जाएगा, तो धीरे धीरे तमाम इस्लामिक रेडिकल बंदरों को इंसान में ढालने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, जैसे हमारे भारत में बहुत रेडिकल बंदर है, बहुत, कभी ट्विटर पे मुझे गालियां देंगे, कभी ट्विटर पे आपको गालियां देंगे। अच्छा, मुझे आज तक समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तान वाले मेरे लिए अगर फतवा निकालते हैं या गाली देते हैं तो उनको मिलना क्या है, या भारत वाले मुसलमान आपको अगर गाली देते हैं और आपके लिए फतवा निकालते हैं तो उनको मिलना क्या है, कुछ भी नहीं मिलना है। तो ये हमेशा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होकर के ये नाचने लगते हैं। मैं पांचवी पॉइंट इस ये जो आपने क्लिपिंग दिखाई है उसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि ये प्रॉपर मुसलमान ही नहीं, अगर ये प्रॉपर मुसलमान होते तो ये कभी भी अनाज में आग नहीं लगाते और इतना हाहाकाल नहीं मचाते। इनको पहले ये सोचना चाहिए था कि दर और दीवार में आग लगाने से क्या ही होना है, क्या ही होना है। अब मैं छठी चीज आपको बताना चाहूंगी कि 1939 में जब पहली बार कुरान प्रिंट हुआ था ना, तो वो भी यहूदियों के पन्नों पे ही हुआ था, तो जला दो उसको भी, और उन्हीं के कालिक से भी हुआ था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का मुसलमान तो अपने खतने के लिए खैची और छुरी तक नहीं बना पाया है, तो कहां से इतनी बड़ी बड़ी चीजें बना देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 1939 से जो कुरान पहली बार प्रिंट हुआ और उसको हराम से हलाल बनाया गया प्रिंट को, तो वो भी जलाना स्टार्ट कर दो, बिल्कुल जलाना स्टार्ट कर दो। और हमें तो देखिए मुजफ्फर भाई, हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं, हम पीओके भी लेंगे, हम लाहौर भी लेंगे, हम लेंगे, और लाहौर पे तो मेरी जिद अटकी हुई है, मेरी जिद लाहौर पे इसलिए अटकी हुई है क्योंकि वो भगवान राम के पुत्र का बसाया हुआ है, तो मेरा एक सेंटीमेंट अटैचमेंट है
मुझे पता है कि मेरे गृह मंत्री लाहौर के बारे में बात नहीं करते हैं, मैं ये भी जानती हूँ कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर इस बारे में बात नहीं करते, मैं ये भी जानती हूँ कि अजीत डोवल जी और डॉक्टर एस जयशंकर जी भी इस बारे में बात नहीं करते, पर मैं नाज़िया इलाही खान लाहौर के बारे में बात करती हूँ और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि लाहौर भी हमें रिटर्न मिले, क्योंकि जब भगवान राम जी को उनका स्थान दोबारा मिला है और इतनी बड़ी प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो उनके पुत्र के लिए भी इतना ही बड़ा भव्य मंदिर लाहौर में बने और हमारी आवाजाही बहुत स्मूथ हो जाए और लोग माथा टेके वहां पर जा करके, मैं ऐसा सोच रही हूँ। बाकी आप चिंता ना करें, जब पीओके हम ले लेंगे तो हम सारे रेडिकल बंदरों को इंसान बनाने में बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे नाज़िया खान जी ने पाकिस्तान की पोल खोल के रख दी और खासकर जो पाकिस्तान में जिहादी माइंडसेट के लोग हैं, खासकर जो धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं मियां मिठू जैसे लोग, उनकी पोल खोल के रख दी। तो आशा करता हूं इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।